स्वागत है आपका माय लव फैमिली चैनल। आज का टॉपिक मिसकैरेज में ब्लीडिंग पहचानना है और आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसकैरेज एक ऐसा दर्दनाक हादसा है जो दुनिया में बहुत सी महिलाओं को अफेक्ट करता है। ये एक ऐसा लॉस है जो फिजिकली और इमोशनली पेनफुल होता है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस हर महिला के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन एक ऐसा सवाल जो मिसकैरेज के साथ सभी महिलाओं के मन में आता है वो ये है कि मिसकैरेज में ब्लीडिंग किस प्रकार की होती है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मिसकैरेज के और क्या साइंस होते हैं, मिसकैरेज ब्लीडिंग और पीरियड में क्या डिफरेंस होता है और डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। साइंस ऑफ अ मिसकैरेज। मिसकैरेज एक अचानक होने वाला प्रेगनेंसी लॉस है जो जेस्टेशन के पहले 20 वीक्स में हो सकता है। इसके साइंस और सिम्टम्स हर महिला में डिफरेंट होते हैं और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है। मिसकैरेज के कुछ कॉमन साइंस हैं जैसे कि स्पॉटिंग या अचानक से ब्लीडिंग होना, एब्डोमेन में क्रैम्प्स महसूस होना, लोअर बैक में दर्द होना, टिश्यूज फ्लूइड और ब्लड का पास होना, स्पॉटिंग और वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लोअर बैक पेन, पैसेज ऑफ टिश्यूज फ्लूइड एंड ब्लड फ्रॉम वजाइना। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग मिसकैरेज के अलावा भी कई कारणों से हो सकती है। इसकी वजह से बहुत सी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्हें ब्लीडिंग मिसकैरेज की वजह से हो रही है या फिर नहीं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि मिसकैरेज में ब्लीडिंग किस कलर की होती है और कितनी देर होती है। What does bleeding from miscarriage looks like? Miscarriage में ब्लीडिंग हल्की स्पॉटिंग के साथ शुरू हो सकती है या अचानक से भारी मात्रा में हो सकती है। जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाता है ये ब्लीडिंग और बढ़ जाती है। सबसे हैवी ब्लीडिंग शुरू होने के 3-5 घंटों के बाद अक्सर रुक जाती है और हल्की ब्लीडिंग 1-2 हफ्तों के बीच में रुक जाती है। मिसकैरेज ब्लीडिंग का कलर पिंक या रेड या ब्राउन होता है। रेड ब्लड वो फ्रेश ब्लड है जो बॉडी से जल्द ही डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि ब्राउन ब्लड वो होता है जो यूट्रस में कुछ देर रहने के बाद रिलीज होता है। ब्लीडिंग का फ्लो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर मिसकैरेज शुरुआती 5-6 हफ्ते में होता है तो ब्लीडिंग और टिश्यूज का लॉस कम होता है, लेकिन वहीं अगर 14 हफ्ते के बाद होता है तो ब्लीडिंग और टिश्यूज का लॉस ज़्यादा होता है। डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग फ्रॉम अ मिसकैरेज एंड अ पीरियड। बहुत बार मिसकैरेज प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में ही हो जाता है। इससे पहले कि एक वुमन को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है उससे पहले ही मिसकैरेज हो सकता है। ऐसे में मिसकैरेज और पीरियड्स के बीच का अंतर जानना मुश्किल हो जाता है। मिसकैरेज के सिम्टम्स पीरियड से ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं और इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि मिसकैरेज में होने वाली ब्लीडिंग में क्लॉट्स और टिश्यूज होते हैं जो रेगुलर पीरियड में नहीं होते। पीरियड्स में ब्लड का फ्लो ग्रेजुअली लाइट हो जाता है। मिसकैरेज के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और वो लंबे समय तक भी हो सकती है। मिसकैरेज में होने वाले क्रैम्प्स बहुत सीवियर होते हैं और सर्विक्स डायलेट होने के समय बहुत पेनफुल भी हो जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी और वो ये है कि आप इस वीडियो को देखते हुए 10 लकी विनर्स में से हो सकते हैं जो हर फ्राइडे 500 रुपीस का पाउचर जीतते हैं। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जो आपको इस वीडियो में शब्द दिखाई देगा उसी शब्द को। वाउचर रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माइलो ऐप डाउनलोड करें। व्हेन टू सी अ डॉक्टर। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करने पर डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना जरूरी है। मिसकैरेज ब्लीडिंग चाहे प्रेगनेंसी में जल्दी हो या लेट, डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। मिसकैरेज को रोकना मुश्किल है, लेकिन एक डॉक्टर आपको जरूरी मेडिसिनल असिस्टेंस गाइडेंस और डायग्नोसिस जरूर दे सकते हैं और किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन होने पर उसे टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको ये भी सलाह दे सकते हैं कि मिसकैरेज के कितने समय बाद दोबारा ट्राई करना आपके लिए सेफ है। तो ये थी मिसकैरेज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रेगनेंसी और कंसेप्शन से जुड़ी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल टूल्स जानने के लिए माइलो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें या फिर आप माइलो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।
यहाँ आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी पा सकते हैं, माइलो मॉम्स की कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।